तो घड़े यहाँ पे देखने थे, ये देखें जी माशाल्लाह। तो यहाँ से एक डोरी हमने लेनी है, लेकिन बारिश तो नहीं आई है, लेकिन अभी मौसम काफी प्यारा बना हुआ है और आज काफी सारा काम करना है, आधा कर लिया। आज अम्मी और साबरा का मुकाबला है, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और देखना है कि अम्मी जान और साबरा यानी के बहू और सास जो है ना, बात वैसे झूठ नहीं थी। कौन सी ये आई? ये मैंने झूठ नहीं बोला ना, रात को इसने मुझे सोने नहीं दिया। ये देखो, ये आई कहां? ये देखो ये है, ये भाग रही है। नहीं, किधर से आए हैं ये? ये किधर से नहीं आए, ये रात आई है आंधी, ठीक है ना। इस खिड़की से नहीं, इधर दरवाजे से आए हैं। रोशनी जब होती थी ना तो ये अंदर आ जाते थे। चलो चलते हैं, काम शुरू करते हैं, अभी काम काफी ज्यादा है। और आज का कमाल व्लॉग देखने के लिए आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और साबरा और अम्मी जान का मुकाबला जरूर देख के जाना है। चले जी, बैठ कर कपड़ा जो है ना मैंने उतार दिए हैं, मैले काफी ज्यादा लग रहे थे तो मैंने सोचा इनको भी धो लूं, तो ये तकिए भी इसके ऊपर वाला उतार देते हैं क्योंकि आज मीठा पानी आया हुआ है, तो बाहर जो खाल पे पानी आता है उस पे कपड़े थोड़ा जल्दी धुले जाते हैं, धुल जाते हैं। वैसे वीडियो में कह रही हूँ कल इसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी, तो इसने वादा करके फिर मुकर गया है, कल ये मुझे लेकर बाहर नहीं गया, मुझे बताया भी नहीं और गले चले गया। हद नहीं होगी वैसे, आप खामोश क्यों खड़े हो बताओ ना जनाब? जब आप बोल रहे हैं तो हमें बोलने की क्या जरूरत है? आपके बहन भाई हैं, आपकी वीडियो को देखते हैं, हम फिर बोलेंगे तो फिर वो कहेंगे आप। कोई इतराज नहीं है, मुझे फिर रीजन देने की जरूरत नहीं है। आपको सिचुएशन का पता था, कल रात क्या हुआ है, कल शाम को एक पंखे की वजह से, फिर क्या करते, पंखा भी सही नहीं हुआ, अब नया लेना पड़ेगा। ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं जी, सब हद तक के को निकालोगी, क्या बात है आज। और खुदा का नाम लो साबरा, जो काम करने का है वो तो करो, इतने सारे कपड़े कैसे धोलगी। अच्छा ये हो गया, बेडशीट होगी और ये देखिए नए नए काम शुरू कर रही है, ये डंडा लेके आ रही है जी, इससे आज आपको मार पड़नी है ऐसे। अच्छा ये देखें जी इधर चलो, बाहर कपड़े बाकी पड़े हैं। ये हमारे गांव का पुराना रिवाज है, यही कपड़े बांध के खाल पे जो है ना जाना। भाई फियाज प्याली ढूंढ रहे हैं कि प्याली किधर है चाय पीने के लिए जी। किसी की हो रहा है
हेलो जनाब, किधर? ये देखिए जी, खाल फुल बह रहा है। तो साबरा जो है वो मेरे ख्याल में डंडे सोटे लेने गई हुई है। इधर चारपाई डाल दूं? नहीं, वैसे रेस्ट कर लोगी साथ यार, में देखो आज कपड़े। मौसम तो देखो माशाल्लाह कितना प्यारा बना हुआ। और दूसरी बात यह है कि बारिश थोड़ी थोड़ी आने का इम्कान भी हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत। और ये देखें, खेतों में जो है ना, ये कपास अब उग रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आओ साथ में कपड़े धुलाई करवा दो, जी सारा दिन वेले बांधेगी मैं के सारा दिन वेले बांध के कोई कपड़े भी धुलवा दूँ। दुआ गिनने हैं, कोई मसला क्या नहीं। अम्मी जान किधर है? वो कहती है मेरा काम नहीं है। अच्छा, अम्मी जान कपड़े नहीं धोएगी आज? मैं मना कर दिया। क्या कहती है? वो कहती मेरी तबीयत सही नहीं है। अच्छा, वो नहीं आएगी? लग तो नहीं रहा। उन्होंने तो आज आपके साथ मुकाबला करना था। अच्छा, ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है। अच्छा, मेरे ख्याल में फिर मूड नहीं होगा कपड़े धोने का अम्मी जान का। साबुन तो ले आओ, साबुन तो है नहीं मेरे पास। किधर है? है नहीं, लिया ही नहीं। अच्छा, अम्मी से पूछ क्या अम्मी के पास। तो जी, हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, ये देखिए। साबुन ले आते हैं, बगैर साबुन के जनाब खाल पे आ गए हैं कपड़े याद उठा नहीं के। रहा। अब क्या होगा? कहाँ से? इधर अम्मी के पास भी शायद पड़ा हो। फिर तो वेट करना पड़ेगा बस आपको। मैं बैठ हूँ आप ले। ये लो जनाब, ये साबुन है, ये वाला, ठीक है ना। सर्फ भी है। सर्फ पहले भी पड़ा था। ये ना मैं अम्मी जान का ले आया हूँ जी। अम्मी जान को पता है मैंने क्या कहा है? मैंने कहा आज आपने कपड़े नहीं धोने, वैसे कह रहा था मैं। मैंने कहा चलो आएगी अम्मी जान, चलो हम वीडियो बनाएंगे उनके साथ, ठीक है ना। कपड़े तो वो मुझे पता है पहले भी नहीं धोती। तो अम्मी जान कहती है नहीं, आप जाओ कपड़े धो लो फिर वापस आ जाओ। मैंने कहा चलें जी, ठीक है जी। इनको फिर अघालना भी है ना कपड़ों को, धोने हैं दोबारा से। हम इसको अघालना कहते हैं। ये देखो तेज हवा चल रही है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। दिल कर रहा है बंदा इधर ही चारपाई डाल के बस सोया रहे। आराम से हाथ का ख्याल करना। सर जी कपड़े धो लिया, लेकिन मुझे उठाए नहीं जा रहे हैं। आप निकाल जी जनाब, उठवाएं उठवाएं जनाब। मैंने सर पे कपड़ा कर लिया है, उठाएं जी। साफ कर लो थोड़ा सा। जाए। सही है, जाओ। गलत है? नहीं नहीं ठीक है, जाओ जाओ। कपड़े धो लिए हैं, कपड़े लेके जनाब आ रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। आ जाओ आ जाओ। ये कचरा जो है वो साफ करके देना, वो आग लगाएंगे। ये देखें तो उस साइड पे जो है सफाई रखेंगे ना सब्जी, फिर परेशानी हमें ना हो। मारना है मुझे जी। सच में? नहीं, नहीं। अच्छा, ये यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो
अभी ये सूखेंगे, अच्छे तरीके से इनको सुखाएंगे। और बारिश का भी नहीं पता। हाँ वो तो फिर बाद की बात है ना, चले आ जाएगी तो कौन सा जो है ना फसल का नुकसान होना है। अब जो जो ये फसल का नुकसान था ना, वो तो अब उसका डर खत्म हो चुका है। अब तो ये है, आज मैंने अभी तक रोटी नहीं बनाई है, अभी करूंगी। तो आपके लिए रात जो है ना मैं कुछ खाने के लिए ले आया था, आपने वो भी नहीं खाई। वो खा लो ना, अब फायदा देगी आपको। ले आऊं? बिल्कुल ठंडी ठंडी है। कपड़े को डाल दूं? चलें आप कपड़े डालें, मैं ले आता हूँ। ठीक है, दिल है खाने का या नहीं है सीधी बताना। हाँ मेरी बात सुनो, अभी आपने नाश्ता भी नहीं किया फिर अच्छी बात नहीं है। प्यास लग गई है, वाकई गर्मी बहुत है। आप थोड़ा रिलैक्स करो, फिर जो बाकी काम है वो बाद में कर लेना। ठीक है, कम से कम 10-15 मिनट का वक्फा जो है ना वो लाजमी है आपके लिए। ठीक है ना, वही बाज नहीं आ रही आज, सिस्टर नहीं आ रही, सुल्ताना क्यों नहीं आई? वो असल में आज वो भी कपड़े धो रही है। चलो ये खा लो, टेस्ट करो मुझे बताओ। कुछ भी नहीं होता इससे जो है ना, दिल ठंडा हो जाता है, इतनी गर्मी है। मुझे बताओ टेस्ट करके, अगर ये आपको अच्छी लगती है तो जी ये देखें, ये बादामों वाली जो है ना खीरनी, खीरनी खीर, खीर मिक्स नहीं होता। खीर मिक्स, तो मैं ये बाहर से ले ये आया हूँ। देखो इतनी जम गई है, तो बर्फ बनी हुई है अभी। ये ऊपर पड़ जा रही है ना, इस वजह से मुझे तो सही लग रही है। ज्यादा ठंडी है, ज्यादा ठंडी हो गया। सर इसको ना हिलाओ चुलाओ, अभी फ्रिज चल रहा है ना, ये देखो फ्रिज चल रहा है ना, इस वजह से ज्यादा ठंडी है। थोड़ी देर के हाँ गर्म हो जाए फिर गर्म। ये हवा नहीं लग रही, हवा लगने दो ना। ये आटा गूंद रहे हैं, पहले मैंने बाकी काम किया तो अभी मैंने आटा गूंदना है। आटा रख जाएगा फिर मैंने रोटी बनानी है। और आज नाश्ता हम काफी लेट करेंगे। लस्सी लेने नहीं गए आज? आपने पीनी है? नहीं पीनी। मेरा ख्याल तो ये है कि खीर खाने के बाद लस्सी नहीं पीनी चाहिए, वो भी खट्टे वाली। वो खट्टी लस्सी है, तो मुझे खीर खानी नहीं चाहिए थी। नहीं खानी चाहिए थी, वो ज्यादा बेहतर रहेगी ना आपके लिए। जी मुझे लगता है कि आज लस्सी ना पियो, आज आप कल पीना, क्या ख्याल है? देखो पता है क्या होता है, यही बात होती है। हम एक चीज जब मैदा जो है ना, हमारा जो मैदा है ना, ये भी एक निज़ाम है जो अल्लाह की तरफ से बनाया गया है। इसमें एक चीज को खाओ, कम से कम आप 1 घंटे 2 घंटे का 1.5 घंटे का वक्फा करो और सेम टू सेम वैसी चीज़ ना खाओ। नेक्स्ट जो चीज़ खाओ ना उसमें चेंज होना चाहिए। एम आई राइट? जी जी। एम आई राइट सर? जी जी सर। या मैं गलत हूँ? पता नहीं। अच्छा आपको बताओ। चले आज घर जाओगे? शाम को प्रोग्राम बनाएंगे फिर। कहाँ जाना है नहीं बताओ? बोलो ना, मैं झूठ नहीं बोलता, आप बताओ कहाँ जाना है बताओ। आज आप करीब करीब कहीं चले जाएंगे? करीब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अच्छा खाना मिल सके। जहाँ पे तो खाते बात सुनो ना, हम जहाँ पे भी जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम एक अच्छी जगह पे जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे बैठते हैं, तो फिर वो पता क्या है, गलत सोचते हैं ना, वो कहते हैं हमारे पास आ गए हैं, ऐसे फ्रीज चले गए हैं, खाना इन्होंने खाया नहीं है, जानबूझ के इन्होंने हमारा टाइम ज़ाया किया है, फिर अच्छा नहीं लगता। फिर खाना खाना पड़ता है, चाहे दिल हो ना हो, पैक करवा के चाहे घर भी ले आए। हाँ ये मजबूरी वाली बात होती है। रेस्टोरेंट पे तो कम अज़ कम ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ बाहर घूमने की एक जगह है तो ओपन जगह है, वो एक अलग बात है। देखते हैं फिर शाम को, मौसम ऐसे आज प्यारा बन रहा है, मैं तो दुआ कर रही हूँ। हाँ अगर मौसम अच्छा रहता है तो बारिश आ गई फिर बारिश में जाएंगे, मजा आएगा। बारिश अगर ज्यादा आ गई तो फिर कैसे जाएंगे जनाब? आप ना बारिश में जाते हैं ना गर्मी में जाते हैं। ये जनाब भी आ गए हैं।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऊपर से बादल बने हुए हैं माशाल्लाह, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे फूल जो है वो निकले हुए हैं, कुछ निकल रहे हैं। तो जी हमारी जो है ना रोटियां वो लग रही हैं, तो साबरा मच बिजी है। साबरा अपनी वीडियो को ख़त्म कर दो सर, आप खुद ही ख़त्म कर दो जी सर, आप खुद ही ख़त्म कर दो। क्यों क्या हुआ है सर? आप मेरे मुझ पर फर्क है? फर्क तो कोई नहीं है खैर। तो जितनी भी हमारी बहनें और भाई हैं वीडियो को देखने वाले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता हुआ रखे, हमेशा सलामत रखे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साबरा के तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।